नमस्कार, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज। अभी हम मुंगेर जिले के तेटिया बम्बर प्रखंड के तेलकारी गांव में मौजूद हैं और यहां पे जो है एक दीदी है मेरे साथ। आइए हम इनसे मिलते हैं, देखते हैं। ये पीछे देख रहे हैं कि मशरूम का उत्पादन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे उत्पादन करते हैं और इनमें क्या इनको फायदा होता है, कौन कौन सहयोग इनमें करते हैं और क्या इनके साथ परेशानी है। आइए हम इनसे मिलते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम यशोदा देवी है। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि आपके घर में मशरूम लगा हुआ है, कैसे आप लगाते हैं इसको? सर, ये हमको ट्रेनिंग मिला था कृषि विज्ञान केंद्र से। हम ट्रेनिंग करने के बाद जो है कि फिर मतलब कुछ दिन पहले थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, इसके बाद हम जो है कि फिर हम धीरे धीरे मतलब जब देखे कि इसमें प्रॉफिट है तो हम धीरे धीरे बड़े स्तर पे कर लेंगे। अभी हमारे पास कम से कम 400 बैग है जो कि हम बटन और ऑस्टर की मतलब अभी खेती कर रही हूँ। इसके बाद मौसम अनुकूल जैसे कि ये भी करती हूँ, मिल्की मशरूम भी लगाती हूँ। तो एक बैग में मतलब कितना होता है लगभग? एक बैग में 2 किलो कम से कम मशरूम टूट जाती है। ये जो आप 400 बैग लगाए हुए हैं, इसका मतलब कितना दिन में ये उसका उत्पादन होता है लगभग? ये जो है कि एक महीने के अंदर अंदर मतलब ये होने लगता है उत्पादन। तो ये जो इतना सारा आप लगाए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, सेल क्या है, कैसे करते हैं? सर, मार्केट मतलब किसी होलसेलर में मतलब देते हैं, इसके बाद जो है कि वो तो कम रेट में लेते हैं और हमारा ऐसे मार्केट नहीं है सर। मार्केट के वजह से हम लोग थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं जितना होना चाहिए। तो ये मतलब कैसे केजी बेचते हैं आप लोग? ये हम 250 रुपए केजी बेचते हैं सर। अच्छा, तो इसको लेकर मान लेते हैं कि मार्केट नहीं है, ले तो इसको लेकर के आप सरकार से कभी मांग किए हैं इसको? जी सर, मांग तो अभी नहीं किया है, लेकिन हम मांगना चाहते हैं कि हम लोगों को एक मार्केट की सुविधा किया जाए। जैसे कि स्कूल में हम लोग यानी कि खाना जो बनता है तो उसमें अगर हमारा मशरूम चला जाए तो बच्चे का स्वास्थ्य के साथ साथ जो है कि हम लोगों का मार्केटिंग बढ़ जाएगा सर। अच्छा, तो सरकार से आपका यही मांग है कि मतलब विद्यालय में जो मिड डे का भोजन चलता है वो अगर मान लेते हैं कि चालू अगर हो जाए तो उससे आप लोग का कहीं ना कहीं ये जो है मशरूम जो है वो सेल होना शुरू हो जाएगा, उससे इनकम भी आपको जी सर बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये हमारी सरकार जो है कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। और अगर ये जो है कि स्कूल में जो मीनू है, स्कूल हो गया या आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, यानी कि जहाँ पे मीनू खाना बनता है, सरकारी खाना, अगर हम लोगों का मशरूम चला जाएगा तो हम लोगों का मार्केटिंग हो जाएगा। तो आप इसको लेकर के किसान और दूसरे दीदी को या दूसरे किसान को क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर मार्केटिंग, हम दीदी को यही बताना चाहते हैं कि सर, मार्केटिंग अगर हम लोगों को हो जाए तो किसान ऑलरेडी और भी मतलब खेती करना चाहेंगे। और ऐसे हम लोग ट्रेनिंग देते भी हैं, किसान दीदी सबको करती भी है, लेकिन बस अपने घर तक ही सीमित रहती है क्योंकि मार्केट नहीं होता है। अभी इससे मतलब कितना का इनकम हो जाता होगा महीने का आप लोग का? महीने का सर 5-6 हजार रुपए हो जाता है। हो जाता है, हाँ। ठीक है, तभी आप देखे कि हम यहाँ टिटिया बम्बर के तिलकारी गाँव में मौजूद है। यहाँ पे जो है, क्या नाम बताए आप अपना? मेरा नाम यशोदा देवी है। और सर, एक चीज हम सहयोग में कहना चाहते है कि हमें ITC क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रवास जो संस्था है वो भी हमें सहयोग करते हैं और जो है कि आत्मा से भी करते हैं, उद्यान से भी करते हैं। जब हमको जरूरी होता है किसी से, मोबाइल से भी संपर्क करने के बाद जो है कि हम लोगों को सहयोग मिल जाता है सर। मतलब तीनों जगह से मतलब आपको, हाँ, सहयोग मिलता है। हाँ, ठीक है। तो आप देखे अभी कि दी, मतलब यशोदा जी के द्वारा ये बताया गया है कि ये आत्मा हो गए, ITC हो गए, और क्या बताए, आत्मा हो गया, उद्यान हो गया सर, कृषि विज्ञान केंद्र हो गया। ये हम लोगों को जब जरूरत होता है तो हम फोन से भी बात करके या तो उनको बुला करके हम लोग ये मदद लेते हैं। जी सर, मदद लेते। तो इनके इनके साथ जो है 3-4 विभाग मिल करके जो है ये इतना दूरी तक पहुंचे हुए, और कभी भी इनको अगर किसी तरह का कोई कठिनाई अगर होता है तो वो कभी भी उनसे मदद लेते हैं। यहाँ तक होता है कि चाहे वो फील्ड हो, चाहे घर हो, चाहे मशरूम उत्पादन में किसी तरह का कोई अगर दिक्कत हो तो ये चारों विभाग मिल करके इनको उनके साथ साथ मदद करते हैं। उनके साथ साथ हमारे सुधाकर सर जो हैं, ददरी जाला का है, वो पहले जो है कि हमारे क्षेत्र में वो रहते, यहाँ पे जो है कि फील्ड ये था मतलब समन्वयक था, उसी समय से हम लोग को वो भी बहुत हेल्प करते हैं सर। ठीक है, तो देखिए एक चीज नया जानकारी मिला है कि सुधाकर कुमार सिंह जो है, जो कि हम ही लोग के गाँव घर का ही है, वो ददरी जाला पंचायत के, वो क्या कहते हैं, टटिया बम्बर प्रखंड में कृषि समन्वयक पे पद पर काम करते थे।
वो ही कहीं ना कहीं जो है इनको हेल्प किए हैं, और हद तक जो है चाहे वो किसी भी दिशा से हो, चाहे फील्ड में हो, चाहे उत्पादन में हो, चाहे जैसे भी हो, अगर किसी तरह का कोई तकनीकी का जरूरत इनको पड़ता है तो वो उनसे भी मदद लेते हैं। देना चाहेंगे कि जिस तरह का आत्मनिर्भर भारत बनने को लेकर के एक महिला जो है इतना आगे आ सकती है, एक महिला खुद अपने से अपने पैरों पर खड़ा होकर के जो है 4,000, 5,000, 10,000 रुपया महीने कमा सकती है, तो क्यों नहीं इनसे बेहतर एक जेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि बिहार सरकार खास करके महिलाओं को आगे बढ़ा करके रखी हुई है, तो हम और नागरिकों से और महिलाओं से हम ये जरूर निवेदन करेंगे कि जिस तरह से ये दीदी कर रही है, इनके हौसले को मिल करके आप लोग बुलंद करें और इनके पीछे पीछे चलें, ताकि ये अगर 4 सीढ़ी चलेंगे तो आप लोग कम से कम 2 सीढ़ी जरूर चलिएगा। आज ये अगर 5 से 10 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हैं तो आप भी कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये महीने कमाने का कोशिश करें, तभी आत्मनिर्भर भारत बनने का ये कार्यक्रम सफल होगा। अन्यथा मैं लगभग जो है कि 15-17 हज़ार रुपया महीने का काम कर लेती हूँ सर। मैं आईटीसी फील्ड आईटीसी मिशन प्रवास संस्था जो है उसमें हम फील्ड सुपरवाइजर भी हैं और उसके इनके मतलब ऑफ टाइम में हम मशरूम का काम करते हैं। देखिए उसके साथ साथ सर हम मधुमक्खी भी कर रही हूँ। इनके पास जो है सिर्फ ये ही नहीं है, सिर्फ इनके साथ साथ मधुमक्खी का पालन भी ये दीदी करती हैं, और ये आईटीसी सुनहरा कल का क्या है फील्ड सुपरवाइजर भी हैं। ये वृक्षारोपण का भी कार्य करते हैं, यानी पर्यावरण को बढ़ाने में इनका अहम योगदान है। चेटिया बंबर मुंगेर से मैं रोहित कुमार। निकालना होगा ना ये